तो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू डे एंड ए न्यू वीडियो। कल का वीडियो आज आएगा भाई, क्योंकि जो सुबह वाला वीडियो था कल मैंने व्लॉग नहीं किया ड्यू टू सम रीज़न। बहुत सारे ऐसे रीज़न आ जा रहे हैं अभी बीच बीच में, जिसमें मैं थोड़ा आउट माइंडेड हो जा रहा हूँ और व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। बट रेगुलर व्लॉग आएगा, जो कि मैं कमिटमेंट किया हुआ है वो किया हुआ है। सो आज वाला जो शेड्यूल था, ये वाला वीडियो तो कल आएगा, बट आज जो है मैंने स्पेशल वीडियो जो बोल के रखा था भाई, एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर बना दूंगा मैं, तो आज उसी पे वर्क कर रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट वाला जो वीडियो है आज ख़त्म करके 9:30 अपलोड करने का फुल प्लान है। आज थोड़ा डे थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आज जो है दो दो वीडियो एडिट करना है बैठ के, और एडिट इज नॉट ए इजी वर्क। सो अब देखते हैं रात को कितना टाइम तक मैं एडिट करके ख़त्म करता हूँ। ऑल एंड ऑल जो है एडिट तो एटॉमिक हैबिट वाला जो वीडियो रहेगा उसका जल्दी करना पड़ेगा, उसको आज करके 9:30 में अपलोड करना ही है जैसे भी करके। सो वो वाला जो चीज़ है उसको ख़त्म करूँगा पहले, उसके बाद रहा बाकी वाला जो वर्क है उसको आज ख़त्म करेंगे। फिलहाल चलता हूँ, एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो जैसे भी हो के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 5 से 6 मिनट का ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा सबको ही बना ही रहे हैं, और जो सब कर रहे हैं उसको वापस से रिपीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइम एंड मैनेजमेंट। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं तो सोचा हूँ 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, जस्ट इट 6-7 मिनट का वीडियो इज मोर देन ओके। अब देखता हूँ उसको जाके ख़त्म करता हूँ। सो एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने बोला हुआ था, एटॉमिक हैबिट्स का जो रिव्यू पार्ट है वो लेके आऊँगा जल्दी ही, बट टाइम नहीं मिल रहा था, सॉर्ट ऑफ थिंग चल रहा था। जैसे कि मेरा प्रीवियस बॉक्स में आप लोगों को पता चल गया होगा क्या हो रहा था। बेसिकली अभी जो है अभी मेल वाला प्रोसीजर चल रहा है, हम लोग बहुत बहुत मतलब अलग जगह पे मेल कर रहे हैं अभी मैं और रावला मिलके, तो उसमें थोड़ा बिजी रह जा रहा था, उसी चक्कर में ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे बीच में। उसको शॉर्ट करते हुए अब से मैं डेली वीडियो डालने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को भी मज़ा आता है डेली वीडियो डाल के यार, बट क्या करूँ, सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वीडियोस नहीं आ पाते। सो फाइनली जो बुक था वो कंप्लीट हो गया, एटॉमिक हैबिट्स वाला, उसका जो वीडियो मेकिंग था आज एडिट करके डाल ही दूंगा भाई, ख़त्म है कहानी, सीन सॉर्टेड है, उसका आज ख़त्म करना है जैसे भी करके उसको डाल के। एंड कल के लिए जो व्लॉग है एज यूजुअल व्लॉग ही आएगा, सो ज़्यादा ना सोचते हुए ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे उसी में। सो चलता हूँ अभी ये वाला बुक थोड़ा ख़त्म करता हूँ पढ़ के, क्योंकि एटॉमिक हैबिट वाला तो ख़त्म ही कर दिया। फिलहाल नेक्स्ट मंथ मेरे को जाना है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ में मीटिंग्स हैं सब्जी ले लो रिलेटेड, तो अब देखते हैं क्या हो पाता है। जस्ट दुआ करना कि अच्छा हो जाए और नड़ेल वड़ेल भी चढ़ा देना। सो एक्चुअली कल वाले जो वीडियो था वो कल ही को एंड कर दिया था मैंने, जो कि आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा, और थोड़ा शेड्यूल हिला हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, नेट मेरा ख़त्म हो गया था, डेटा जो मेरा रहता है डेटा पैक, सो इसी चक्कर में कल रात को मैं अपलोड कर नहीं पाया इसको। सो आज सुबह अपलोड कर दिया, और ये वाला वीडियो आज का है जो आज ही जी अपलोड हुआ है वीडियो। और बेसिकली अभी जो शेड्यूल है उसमें हम लोग ने सॉर्ट आउट किया हुआ है 2-4 मामला, तो उसको पहले फिगर आउट करके ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मंथ हम लोग को रेस्टोरेंट्स भी जाना है तो विज़िट करना है ड्यू टू सम इंटरव्यू और वन ऑन वन टॉक। अगर वो सब सही रहता है सो बेसिकली वी विल गेट अराउंड 3 to 4 रेस्टोरेंट राइट अवे। 4-5 रेस्टोरेंट मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो देखते हैं क्या हो पाता है उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग का तो 100% लगा हुआ है, और ऑल एंड ऑल बैकग्राउंड में सब कुछ वर्क चल ही रहा है। और सॉरी फॉर दैट कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि भाई देखो नेट ख़त्म हो गया था, और हम लोग मैंने मतलब जियो फाइबर लगवाने के लिए मेल भी किया हुआ है, बट इन लोगों का कुछ शायद तक सिस्टम रहता है कि 200 से 300 अगर मतलब मैसेजेस या मेल्स जाएंगे तभी इन लोग लगवाते हैं। हम लोग ने मतलब मेरा एक दोस्त वर्क करता है तो उससे पूछा हुआ था, तो ऐसे बता रहा था 200 और 300 अगर मतलब मेल अगर जाएगा पर्टिकुलर एरिया से तभी इन लोग लगवाते हैं। सो अब देखते हैं क्या होता है उसका, क्योंकि एक तो ब्रॉडबैंड लगवाना अभी मेन मुद्दा हो जा रहा है, उसके बाद लैपटॉप भी लेना है। लैपटॉप का थोड़ा सिस्टम बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग करना है मेरे को मेरा वेबसाइट के ऊपर। सो अगर सब कुछ सही हो गया तो कोडिंग भी सही हो जाएगा, और किसी और को क्यों पैसा दे, अगर खुद को कोडिंग आता है तो कर लेना चाहिए खुद से ही कोडिंग। सो मैं कर लूँगा कोडिंग, उसमें तो बड़ा बात नहीं है, बट एक्यूरेसी जो बैठाना रहता है वो थोड़ा मेन हो जाता है इन द गेम ऑफ कोडिंग। तो अगर एक्यूरेसी सही से बैठ गया तो कोडिंग भी सही से हो ही जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है उसके ऊपर,
राहुल को कल रात को ही मैं बात कर रहा था। सॉरी अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा तो, क्योंकि कहीं पे शादी वादी चल रहा है तो गाना वाना बज रहा है। सो देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, और कॉपीराइट आ जाने से मतलब जो रीच रहता है चैनल का डाउन हो जाता है। और बेसिकली मैं अभी शॉर्ट्स ही डाल रहा हूँ चैनल में, क्योंकि अच्छा खासा रीच आ जा रहा है शॉर्ट्स के थ्रू ही। अगर रीच सही से हो गया तो और भी शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो फिलहाल अभी का टाइम है बुक पढ़ने का, तो चलता हूँ बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद जो होता है वो देखेंगे। पीस आउट फॉर नाउ।